बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम अलैकुम। गौहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से मैं हमना बिनत शहजाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा एम है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज की हम इस वीडियो में हम देखेंगे अपना गौहर वाकफियत आमा जमात सोएम का बाब नंबर 16 का जायज़ा, यानी कि ज़ाती हिफाजत का जायज़ा। तो उसके लिए हमें किताब के सफ़ा नंबर 142 और 143 की ज़रूरत है। जायज़ा तो हम जायज़े में देखते हैं अलिफ, मुंदरजा ज़ैल सवालात के जवाब दीजिए। हमें घर के अंदर किस तरह के खतरात का सामना हो सकता है? घर के अंदर हमें बिजली की चीज़ों का ख़तरा हो सकता है, हमें नौकीली चीज़ों के साथ का ख़तरा हो सकता है, हमें शीशे और हमारे सीढ़ियों पर खेलने का ख़तरा हो सकता है। किन चीज़ों के साथ खेलना ख़तरनाक हो सकता है? नुकीली चीज़ों के साथ, बिजली की तारों के साथ, आग के साथ खेलने का से ख़तरनाक साबित हो सकता है। हमें घर से बाहर क्या एहतियातें करनी चाहिए? घर से बाहर हमें सड़क देखकर क्रॉस करनी चाहिए, हमें ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, हमें खंभों वगैरह से दूर रहना चाहिए और हमें अजनबियों से एहतियात करनी चाहिए। कुदरती आफत से क्या मुराद है? कुदरती आफत से मुराद है कि कोई भी ऐसी आफत जो कि कुदरत की तरफ से हो, जैसे कि सैलाब आना, जैसे कि जलजले का आना, जैसे कि आपकी जंगल में आग का लगना, जैसे समुंदरी तूफ़ान का आना, जैसे हवाओं के तूफ़ान का आना, जिसमें इंसान का कोई बस ना हो, वो कहलाती हैं आपकी कुदरती आफत। सैलाब के दौरान कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? सैलाब के दौरान आपको चाहिए कि आप सैलाब के पानी में तैराकी, सैलाब के पानी में साइकिल चलाने और गाड़ी चलाने से आप इज्तनाब करें, और इसके अलावा आप सैलाब के दौरान किसी ऊंची जगह पर मुंतकिल हो जाएं। कोई सी दो कुदरती और दो इंसानी आफात का नाम लिखें। कुदरती आफात हो सकती हैं जैसे कि आग लगना, जंगल में आग लगना, आपका सैलाब और आपका जलजला, और आपकी इंसानी आफात हो सकती हैं जैसे कि आपका आग लगना किसी बिल्डिंग के अंदर और आपका कोई धमाका वगैरह। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं, हर तस्वीर के नीचे दी गई आफत का नाम लिखें। पहली तस्वीर आपके पास सैलाब की है, दूसरी जलजले की है, और तीसरी फिर सैलाब के दौरान ऊंची जगह पर मुंतकिल होने की है। चौथी तस्वीर आपकी आसमानी बिजली की है, पाँचवीं आपकी आग लगने की है, और छठी आपकी आसमानी तोदे गिरने की है। खाली जगह पुर करें। हमें आफात से बचने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। बिजली खतरनाक हो सकती है, बिजली के स्विच को नंगे हाथों से मत छुएं। घर का बैरूनी दरवाज़ा अजनबी के लिए मत खोलें। जब आप ख़तरा महसूस करें तो मदद के लिए चिल्लाएं। अगर आप कुछ मामूल से हटकर गैर महफूज महसूस करें तो फौरन वालदैन या उत्साजा से बात करें। अगर आपके इलाके में जलजला आ जाए, आप इस आफत के खतरात से कैसे बचेंगे? इस आफत के खतरात से बचने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप घर के अंदर मौजूद हैं तो किसी मेज़ या किसी पलंग के नीचे छुप जाएं, और ऐसी जगह दीवारें या जिन पे कोई चीज़ें टंगी हुई हैं जो गिर सकती हैं, पंखे वगैरह, उनसे दूर हो जाएँ ताकि आप महफूज रहें। और अगर आप घर से बाहर हैं तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आप बैठ जाएँ, किसी खुली जगह पर बैठ जाएँ, इमारतों और बिजली की तारों और खंभों से दूर रहें। तो ये था हमारा आज के इस बाब का जायज़ा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।